नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डब्ल्यू जीके में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे धर्मकांटा बिजनेस कैसे करें और धर्मकांटा बिजनेस करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों मैंने पहले कुछ ओल्ड वीडियो धर्मकांटा बिजनेस पर डाले हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी आपको उनसे नॉलेज मिला होगा। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिखाया उन वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि धर्मकांटा बिजनेस कैसे करते हैं और धर्मकांटा बिजनेस करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और इसको करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यूट्यूब पर धर्मकांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि धर्मकांटा बिजनेस कैसे करें। दोस्तों धर्मकांटा बिजनेस करने के लिए आपको एक पर्याप्त जगह की जरूरत पड़ती है, जो पर्याप्त जगह लगभग 40x80 में होनी चाहिए, जिस जगह पर छोटा या बड़ा कोई भी धर्मकांटा आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है पर्याप्त जगह के साथ साथ आपको अपनी एरिया का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि दोस्तों आप जिस जगह पर धर्मकांटा लगाते हैं वो आपकी जगह किस रोड पर है, कैसी जगह पर है, क्या वहाँ की सिक्योरिटी है, क्या व्यवस्था है, वैसी आपको जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको धर्मकांटा बिजनेस के लिए सबसे पहले आपकी जगह जो है वो मेन हाईवे पर होनी चाहिए, जहाँ पर गाड़ियों का आवागमन होता हो। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी आप धर्मकांटे का बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पे कोई अच्छी खासी मार्केट हो, सब्जी मंडी, राइस मिल, गन्ना मिल वगैरह इस तरीके के मिल हों, जहाँ पर गाड़ियों का माल लोड होता हो हमेशा और आता जाता रहता हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको धर्मकांटे का बिजनेस करने के लिए आपको ऐसी जगह पे अपनी एरिया में ऐसी जगह पर जगह होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको धर्मकांटे के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो दोस्तों लाइसेंस आपको गवर्नमेंट में नाप तोल विभाग के अधिकारियों से मिल जाएगी। दोस्तों उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आप किस जगह पर धर्मकांटा लगवाना चाहते हैं और आप कितना बड़ा धर्मकांटा लगवाना चाहते हैं, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत जो भी खर्चा होगा वो देना पड़ेगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगी। लाइसेंस मिलने के बाद दोस्तों धर्मकांटा आपको लगवाना है, उसके लिए आपको दो रूम सेटअप बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एक में कंप्यूटर सिस्टम वगैरह और बाकी ड्राइवरों की बैठने की व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अगर धर्मकांटा लगवाना चाहते हैं तो आपको जो है धर्मकांटा लगवाने दोस्तों जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप बड़ा ही धर्मकांटा लगवाएं, क्योंकि बड़ा धर्मकांटा होता है वहाँ पर आप छोटी गाड़ियाँ भी चल सकते हैं, जहाँ ट्रैक्टर ट्राली 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का, यानी जितनी भी बड़ी गाड़ी आपकी होगी खुल जाएगी। तो बड़े धर्मकांटे से आपका ये फायदा है कि आपके यहाँ छोटी गाड़ियाँ भी आएंगी और बड़ी गाड़ियाँ भी आएंगी। जैसे कि आप छोटा कांटा लगवा देते हैं तो आपके यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी, आपकी प्रॉफिट कम हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको इतना ध्यान रखना है, बड़ा कांटा यानी कि आप 100 टन से कम का ना लगवाएं, 100 टन या 150 टन का आप धर्मकांटा अपने यहाँ लगवाएं। इसके बाद दोस्तों धर्मकांटा लगवाने के बाद दोस्तों आपको एक डे के लिए और एक नाइट के लिए दो ऑपरेटर रखने पड़ेंगे। अगर आप खुद कंप्यूटर धर्मकांटे पर बैठने के लिए सक्षम हैं, आप खुद जो है अपनी ड्यूटी देना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, या आप दो नौकर रख सकते हैं, यानी कि एक डे के लिए एक नाइट के लिए। तो दोस्तों इतनी व्यवस्था करने के बाद दोस्तों आपको धर्मकांटे पर, ये आप समझ गए होंगे कि धर्मकांटा बिजनेस कैसे करें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि धर्मकांटा बिजनेस करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों सही तरीका है ये कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपना धर्मकांटा महीने दो महीने में हमेशा चेक करा के रखना है। आपका धर्मकांटा कभी कभार गड़बड़ हो सकता है, तो आप अगर चेक कराते रहेंगे तो आपके यहाँ कोई भी पार्टी, कोई भी ड्राइवर के साथ माल में गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। और आपको अपना धर्मकांटा जो है चेक कराते रहना है, चेक कराने से आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ आएंगी किसी का वेट कम नहीं होगा, तो वो बार बार आपके यहाँ लेके आएंगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके यहाँ फैसिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज सिस्टम भी होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर पर्ची भी हो और आप हाथ वाली बुक भी रखें, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हाथ वाली बुक से उनको मान्य नहीं होता है, वो बाहर से आते हैं तो वो उनका मालिक जो है कंप्यूटर ही पर्ची मानता है, यानी ओरिजिनल प्रिंट ही मानता है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर सिस्टम रखना पड़ेगा, जो भी इसमें खर्चा आता है वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको बिजनेस करने के लिए आपको सही तरीका ये है कि आप धर्मकांटे पे जो भी ऑपरेटर रखें वो होनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अगर होनेस्ट नहीं है तो आपका धर्मकांटा फेल कर देगा, ठीक है दोस्तों। इतना सब कुछ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये एक बात का और ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी ड्राइवर आपके यहाँ आता है
उसकी व्यवस्था रखनी है। जैसे कि आपके यहाँ ड्राइवर आ गया, उसके लिए बैठने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था एक अलग रूम में रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर उसके लिए व्यवस्था नहीं रखेंगे तो वो जो है कहाँ जाएगा, बाहर से आया दिक्कत में फंस जाएगा, कोई रात में आता है, कोई डे में आता है, तो उसके लिए आपको व्यवस्था रखनी पड़ेगी। और दोस्तों आपके यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए। जो भी गाड़ी धर्मकांटा कराने आती है तो वो तुरंत तो कांटा नहीं कराती है, क्योंकि जब उसकी पार्टी पार्टी आएगी तभी वो धर्मकांटा कराएगी। जब आपके यहाँ खड़ा गाड़ियाँ खड़ी होने की व्यवस्था होगी तब वो कुछ देर तक आपके यहाँ खड़े रुकेगा, फिर आपके यहाँ धर्मकांटा भी कराएगा। तो दोस्तों इतनी सारी व्यवस्थाएँ आपको रखनी है। ठीक है दोस्तों, यही धर्मकांटा करने का चलाने का सही तरीका है। धर्मकांटा चलाने के लिए दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों जहाँ तक हो सके तहाँ तक आपको लाइट की व्यवस्था रखनी है, इन्वर्टर की भी व्यवस्था रखनी है। किसी भी टाइम लाइट नहीं होती तो आप इन्वर्टर के माध्यम से अपने सारा सिस्टम ओपन करके गाड़ियाँ खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और धर्मकांटे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको पूछनी है तो जरूर पूछें, मैं उसका तुरंत ही जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।